नमस्कार दर्शक मित्रों, कैसे हो? मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा। हेलो गुजरात में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। और आज हम यही वीक का फ्यूचर देखने जा रहे हैं, भविष्य कैसा रहेगा। इसके लिए पहले से आपको सबको शुभकामनाएं दे रही हूँ। और फर्स्ट हम देखेंगे मेष राशि टेरोट कार्ड पे से मेष राशि का ये वीक कैसा जाएगा। तो ये वीक मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा दिखाया है और 6 महीने के अंदर कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाले हैं। और आपकी 7 पीढ़ी 4 पीढ़ी देखें, ऐसा बहुत ही अच्छा आपके आयुष्य है और राजा की तरह राज करने वाले हों। और आपका लकी कलर रहेगा येलो कलर और ब्राउन रेड कलर, और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर। अभी आ रही है वृषभ राशि, तो वृषभ राशि के लिए ये वीक कैसा रहेगा। वृषभ राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। थोड़ा शत्रुओं से बच के रहना है और शत्रुओं को पता भी नहीं चले कि आप उसके शत्रु हैं, और मित्र की तरह काम लेके उसके साथ निपटा लेना है। और पूरी दुनिया आप घूमने वाले हो, और खाली कभी कभी आपको लास्ट वीक में ऐसा लगेगा, 2-3 दिन ऐसा लगेगा कि मेरे दिन अच्छे नहीं आ रहे, कुछ हो रहा है करके। तो आपको जैसे मून आता है, तो मून के बाद सूर्य सुबह में उगता ही है, तो वैसे ही आपको देखना है कि आपकी लाइफ में भी अभी अंधेरा जा रहा है और सूर्य आ रहा है। आपका लकी कलर रहेगा येलो कलर रेड कलर, और लकी नंबर रहेगा आपका 10 नंबर और 9 नंबर। अभी आ रही है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए ये भी कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा पितृदोष आ रहा है, तो थोड़ा संभल के रहे। आपने पहले बहुत ही स्ट्रगल लाइफ की, अभी वो स्ट्रगल लाइफ खत्म होने को आ रही है, और कोई ओल्ड लेडी आपको हेल्प करेगी आपके लाइफ के अंदर, जहाँ भी आप रुक रहे हो वहाँ पे। और आपका लकी नंबर रहेगा 4 नंबर और 5 नंबर। लकी कलर रहेगा आपका ग्रीन कलर और रेड कलर और येलो कलर। अभी आ रही है कर्क राशि, तो कर्क राशि के लिए ये भी कैसा रहेगा। कर्क राशि ये वीक में आपको देखो, आपको लगता है कि मुझे किसी ने बांध दिया है कि ये है वैसा है, तो आप बंधे हुए हो, तो उससे आपको छूट जाना है और बाहर निकलो। बाहर की दुनिया देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आपको सबको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हो। तो इसीलिए आप अपनी अंदर की शक्ति को बाहर निकालिए। आप बहुत ही होशियार हो और जहाँ भी जाते हो वहाँ आपकी जीत होती है। और आपका लकी कलर रहेगा रेड कलर और ग्रीन कलर, और लकी नंबर रहेगा आपका 5 नंबर। अभी आ रही है सिंह राशि, सिंह राशि का ये वीक कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए ये वीक बहुत ही अच्छा है। वंश परंपरागत दिखा रहा है कि आप जो बिजनेस करने जाने वाले हो, आप या शादी करेंगे जो भी करेंगे, तो बिजनेस परंपरागत दिखा रही है कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वंश परंपरागत। अभी जैसे आपके मम्मी डैडी ने शादी की है, लव मैरिज की है, तो लव मैरिज ही होगी। डैडी आपके बिजनेस घर का बिजनेस में ही ध्यान रख रहे हैं, तो आपको भी घर का बिजनेस करना है। आप जॉब करने जाएंगे तो आपको जॉब में सक्सेसफुल इतनी नहीं मिलेगी, और आपको लगता है कि ये दूर से बहुत ही अच्छा है, सोना है, ये है, वो है, मुझे बहुत मिलने वाला है। लेकिन आप जब दूर से देखेंगे, दूर से सोना दिखता है, पास में जाके देखेंगे तो पीतल दिखेगा। इसीलिए सोच समझ के आप पहले से ही पैसे वाले हो और भी पैसे वाले होने वाले हो। बहुत ही अच्छी आपको व्यापार धंधा में आगे बरकत होने वाली है। और आपका लकी कलर रहेगा येलो कलर और रेड कलर, लकी नंबर रहेगा आपका 4 नंबर और 5 नंबर। अभी आ रही है कन्या राशि, तो कन्या राशियों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। कन्या राशि थोड़ी ये वीक आपको मेहनत करनी है, मेहनत करके। और आपको कुछ भी जब रात को सोते सोने को जाते हो तभी आपको टेंशन होता है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली यही करना है कि सोते समय भगवान को याद करो, उठते समय भगवान को याद करो, वो प्रार्थना करो और पॉजिटिव रहो कि मैं जो भी कार्य करने जा रही हूँ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपके 6 महीने के अंदर गुड न्यूज़ मिलने वाला है। लकी कलर रहेगा आपका येलो और रेड कलर, और लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर। तो आज हम छोटी सी टिप्स देने जा रहे हैं कि अभी ये वीक के अंदर पूनम आ रही है, तो पूनम को हमें क्या करना है। पूनम के लिए हमें ब्राह्मणों को बुला के 9 गेहूँ है, चावल है, जैसे ऑयल है, घी है, 1 वेजिटेबल है, वो सब दान देना है। तो उसे 9 ग्रह आ जाते, तो हमारे जहाँ पे भी कष्ट होता है, कुछ भी आता है, तो उसमें क्या 9 ग्रह की
आ जाता है। तो महाराज को देके ये देना है आपको, और आधा किलो शक्कर लेके सब झाड़ों के वहां पे, पीपल के झाड़ के आजू बाजू जहाँ भी झाड़ रहते हैं वहां पे शक्कर सब जगह डालनी है। जैसे कीड़ी और वो सब खाते हैं तो आपका कष्ट चला जाता है। डॉगी को खिलाना है, फिर कैट को खिलाना है, और पानी के अंदर जो मछलियाँ होती है उसको भी थोड़ा छोटी छोटी गेहूं के आटे की वो चिट्टी डाल के डालनी है, तो उससे भी बहुत ही बेनिफिट होता है। और ये वीक आपका बहुत ही अच्छा जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। थैंक यू।